मालिक का जो नाम है सुखों की खान है। जो जीव सुमरण करते हैं पूरी लगन के साथ, वैराग्य के साथ, रुचि के साथ, मालिक का नाम अंदर भी तमाम खुशियां देता है और बाहर से भी दया में रहमत के काबिल बना लेता है। मालिक के नाम में वो शक्ति है जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता। कैसी भी बुरी आदतें हैं, कैसे भी आपके विचार हैं, अगर आप मालिक के नाम का सुमरण करें और यह सोचें कि हमने इन विचारों को काबू में करना है, इन विचारों को मिटा डालना है, तो यकीन मानो राम का नाम आपका साथ देगा और आप अपनी बुराइयों पर जीत हासिल जरूर कर लेंगे। और अगर अपनी बुराइयों पर जीत हासिल कर ली तो फिर मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन जीते जग जीत। अपने अंदर की बुराइयों को जीतना एक तरह से मन को जीतना है, और जो मन को जीत लिया करते हैं उनके लिए फिर कोई बात नहीं रहती। जैसे जो मन को जीतते हैं उन पर कोई सी बात का कोई असर नहीं होता, वो निर्भय हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, किसी से बैर विरोध नहीं। कोई गाली दे, बुरा बोले, यूं लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, दे रहा है हम चुप रहेंगे, जो दे रहा है उसके ऊपर जाएगा। आप यकीन मानो ऐसा करके देखो, एक तो तकरार से बच जाओगे, झगड़ा नहीं होगा, आपको कोई गाली कहता है, बुरा कहता है, बाकी राम का नाम जब, वो मालिक तू जाने तेरा काम जाने, तो देने वाला ही पछताएगा, वो ही दुखी होगा, आप सुखी रहोगे। पर ऐसा होना कोई आसान बात नहीं है, ये घोर कलयुग है। यहां जरा सी बात कह दे आगे से आदमी 10 सुनाता है, मैं क्या कहूं। तो ये बर्दाश्त शक्ति तभी आती है जब आदमी सुमरण कर ले, सेवा सुमरण लगातार करता रहे, तो अंदर से शक्ति आती है, तो अंदर से हिम्मत आती है, आदमी के अंदर बर्दाश्त शक्ति आती है, विल पावर आत्म बल आता है, जिसके द्वारा इंसान फिर किसी की परवाह नहीं करता। अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करता है, उसका मालिक निगेवां हो जाता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है, तमाम खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो इंसान को यह चाहिए वो सुमरण करे, मालिक की भक्ति इबादत करे, जितना कर सके उतना ही फायदा, क्योंकि सुमरण से वो तमाम सुख मिलते हैं, वो तमाम खुशियां मिलती हैं जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने भी खोटे कर्म, पाप कर्म आप कर चुके हैं, उसको मिटाने के लिए दुनिया में और कोई तरीका नहीं सिवाय मालिक के नाम के। सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, आपके जैसे भी कर्म आपसे हुए हैं मालिक की रहमत से वो कट जाएंगे। टेंशन ना लो, माना कि मालिक की राह पे चलना मुश्किल है, पर एक बार जो चल जाते हैं खुद का ही नहीं कुलों का उद्धार करते हैं, और दोनों जहां में जय जयकार हो जाता है। आदमी कहता है मैंने जय जयकार से क्या लेना है, मैं तो इस जीवन में सुख चाहता हूं, ये मिले वो मिले फला मिले, ये चीज तो मिली नहीं। सुमरण करो सच्ची तड़फ से, लगन से, ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान को सुमरण ना दिला दे। पर जायज हो सही हो, सुमरण हर शय से मिला देता है। सो सुमरण करते रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो और अमल करो। अमल करना जरूरी है, सुन के जो अमल नहीं करते वो खाली रहते, कोरे रहते हैं। तो इसलिए भाई सुमरण में ताकत है, जो सुन के अमल किया करते हैं वही अंदर बाहर से मालिक की दया में रहमत से माला माल हो जाया करते हैं।